चलो, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंपोजिशन स्कीम। अब भाई ये कंपोजिशन स्कीम किस चीज का नाम है, भाई ये क्या है क्या नहीं है, इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। कंपोजिशन स्कीम क्या है ना, देखो तुमको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट, जैसे छोटा ढाबा। ठीक है, छोटे ढाबे पे अगर तुम जाओगे, नो डाउट वहां पे सेल्स हो रही है, अच्छी हो रही है। लेकिन अगर एक ढाबे वाले भैया के पास तुम जाओगे, छोटा ढाबा जैसे समझ लो, जो ये हाईवे वगैरह पे छोटे छोटे होते हैं, या फिर वो तो छोड़ ही दो, ढाबे की बात ही छोड़ो। मैं गई कहाँ पे, पानीपुरी वाले भैया के पास। मैं कहाँ पे गई, चाय पीने गई। ये सारे लोग वो हैं। मैं गई सब्जी वाले भैया के पास, जो क्या देते हैं, सब्जी देते हैं। मैं गई फ्रूट्स वाले भैया के पास, कहना क्या चाह रहे हो, ये वो लोग हैं जिनका तुम्हें लगता है टर्नओवर अच्छा नहीं है, पर ये कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा अर्न करते हैं, है ना। ये तो तुम्हें भी पता, आजकल नया सिस्टम चल गया ना, MBA चाय वाला, CA चाय वाला, वड़ा पाव गर्ल, पता नहीं क्या ही क्या चल गया दुनिया में। ठीक है, तो मतलब उनको देख के एक अलग फीलिंग होती है कि हमने क्या किया इतने साल गवा के, जब पैसा तो अल्टीमेटली सबको ही कमाना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो अब ले ही रहे तो ये मैडम को भी ले ही लेते हैं, बेचारी बहुत रोस्ट हो चुकी है, अधिक ही रोस्ट हो चुकी है, दिल्ली की है ना ये भी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वड़ा पाव गर्ल। अब यहाँ पे क्या है, इन मैडम की बात करें तो एक छोटे से, पहले तो इन्होंने स्टॉल से चालू किया था। ठीक है, इतनी अमीर हो गई हूँ क्या मैं, ठीक है। तो ये जो छोटे से स्टॉल से इन्होंने स्टार्ट किया, वड़ा पाव बेचना स्टार्ट किया इन्होंने दिल्ली में। अब अच्छा चला, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये 10 रुपए का वड़ा पाव जो यहाँ पे पुणे में मिलता है ना, ये 50 रुपए में देती है मैडम। ठीक है, अब क्या हुआ, समझो कि लाइन लग गई वड़ा पाव की, क्या है, लाइन लग गई इनके पास, लोग आ रहे हैं ले रहे हैं ले रहे ले रहे। है तो ये स्टॉल ही ना, ये कोई शॉप तो नहीं है, ये शोरूम भी नहीं है, ये कोई बड़ा ताज जैसा होटल भी नहीं है। इनकी जगह मैम पानीपुरी वाले भैया को ले लो, कमाते तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैम आप ये समझो 10 रुपए या 20 रुपए प्लेट की पानीपुरी। अब अगर हम इनको बोलेंगे, जैसे ही आपका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख एज द केस में भी क्रॉस होता है, आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, मतलब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे ही कोई पर्सन रजिस्टर्ड होता है, उसको पता है क्या क्या करना पड़ता है, कितनी सारी तकलीफों का सामना। पहले तो उसको हर महीने की 11 तारीख को GST R1 फाइल करना, चलो ठीक है, हर महीने की 20 तारीख को GST R3 BB फाइल करना है, चलो वो भी ठीक है। हर वक्त जब वो सेल्स करेगा, उसको क्या करना है, टैक्स इनवॉइस ही देना पड़ेगा। और टैक्स इनवॉइस तो तुम समझते हो, सारे कंप्लायंसेस, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये ना वो, सारी चीजें इसको बेचारे को करनी पड़ेगी। तो ये मैडम को देख लो, या ये पानीपुरी वाले भैया को देख लो। अब सपोज करो ये पानीपुरी वाले भैया को तो 20 लाख क्रॉस हो गया, 40 लाख एज द केस में भी क्रॉस हो गया, रेस्टोरेंट की तरह ही हो गया ना, ये छोटा रेस्टोरेंट यहाँ पे बना के चीजें दी जा रही है आपको, सर्विस भी दे रहे हैं, गुड्स भी दे रहे हैं। अब जब इनका मैम ये टर्नओवर क्रॉस हुआ, अगर आप इनको बोल रहे हो सेक्शन नंबर 9 में रजिस्टर हो, मतलब नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पर्सन बन जाओ, तो मतलब जब तुम 20 रुपए की पानी पूरी लोगे, तो सबसे पहले 20 रुपए की पानी पूरी का बनेगा टैक्स इनवॉइस, बनेगा ही। फिर वो टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए कोई तो अकाउंटेंट लगेगा कि भाई इनवॉइस बना बना के टैक्स लगा के देते जा। फिर इस ये सेल्स का क्या भरेगा, GSTR 1 भी हर महीने भरे, GSTR 3 भी हर महीने भरे, मतलब 20 20 रुपए के कितने सारे इनवॉइस, कितना सारा कंप्लाइंस। और ये पानीपुरी वाले भैया सपोज करो यहाँ ना रह के थोड़े से गांव के एरिया में रहते, लेकिन वहां पे भी इनका टर्नओवर तो अच्छा खासा क्रॉस होता है, शहर आएंगे रिटर्न भरवाने। तुम्हें क्या लगता है, CA एक बार में तुम्हारा रिटर्न भर के देगा? वो बोलेगा ये डॉक्यूमेंट भूल गए, ये फिर शहर से जाएंगे वो डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, ये आए। तुम्हें क्या लगता है, एक बार में ही डॉक्यूमेंट भी सारे हो जाएंगे? फिर इन्होंने कुछ बताया, फिर ये गए,
डॉक्यूमेंट लेने, तो ले देके कैसे भी 11th वाला, तो 11वें दिन का जो हमारा था रिटर्न जैसे स्टेटमेंट वो तो भरा गया। फिर 4 दिन निकले नहीं कि वो 20वें दिन की डेट आने वाली, दैट इज GSTR 3 भी जो 20th को फाइल करना होता है। फिर ये डॉक्यूमेंट्स लेके आए, कुछ कम पड़ गया, वापस जाओ, आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ। इसमें क्या हो गया कि बोलेगा मैं बिजनेस करूँ अपना कि आना जाना आना जाना यही करता रहो। ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, ये तो प्रैक्टिकल चीजें है जो होती है मैम। गांव में लाइट नहीं आती, गांव में वाईफाई नहीं आता, रिटर्न भरे कैसे, शहर आना पड़ता है या फिर रिटर्न फैसिलिटेटर्स होते हैं GST फैसिलिटेटर, उनके पास आना पड़ता है कि भी करवा दो हमारा काम। तो यार ये तो जेन्यून प्रॉब्लम हो गई ना इन लोगों के लिए, जो टर्नओवर तो चलो 20 लाख 10 लाख 40 लाख एज द केस में भी क्रॉस कर गए, लेकिन कंप्लायंस का बर्डन कितना दे रहे हो इनके ऊपर, छोड़ दो इनको। अंडरस्टूड? इनको क्या चाहिए, थोड़ा सा रिलीफ चाहिए। सो फॉर द पर्पस ऑफ दैट रिलीफ कौन सी स्कीम है, कंपोजिशन लेवी। कहाँ पे है भाई ये? ये है सेक्शन नंबर 10 के अंदर। क्या बोलते हैं ये, जो भी लोग कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होंगे, जो भी लोग क्या होंगे कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होंगे, उनको मंथली रिटर्न नहीं फाइल करना, आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो। तो दे दिया ना कि चल तुम क्या करो, रिटर्न तो फाइल करो लेकिन कैसे, क्वार्टरली तुमको क्या करना होगा, क्वार्टर रिटर्न फाइल करना होगी। तो सबसे पहला बेनिफिट ये। फिर बोलते कि मैम हर एक इंसान तो चाहेगा कि हम जाएं कहाँ पे, कंपोजिशन स्कीम में, क्योंकि सबको ही कंप्लायंस कम चाहिए। मैं भी ये चाहूंगी, तुम भी ये चाहोगे, हर कोई ये चाहेगा, अंबानी जी भी ये चाहेंगे। बोलते हर कोई नहीं आ सकता, जिसका टर्नओवर पिछले साल पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना है, इतने तक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब अगर इस ईयर का देख रही हो तो मुझे पहला साल देखना होगा, अगर आप पिछले साल 1.5 करोड़ तक के ही टर्नओवर पे थे तो आप क्या कर सकते हो, कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हो। मैम जैसे ही मेरा 20 लाख क्रॉस हुआ मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा, सपोज कर रही हूं मैं कि हम कहाँ पे M2, हम कहाँ पे हैं वो पैमंटी वाली जगह पे, तो 20 लाख इज एप्लीकेबल। सपोज करो मैम आपका 20 लाख एप्लीकेबल है, आपका 20 लाख क्रॉस हो गया, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सोचोगे कहाँ जाऊँ, सेक्शन 9 में जाऊँ या फिर सेक्शन नंबर 10 में जाऊँ, क्योंकि अभी देखो ना पिछले साल क्रॉस हुआ है लेकिन 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है, 20 लाख ही क्रॉस हुआ है। तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी, अब आपने कहा यहाँ नहीं जाना, तो यहाँ क्या बोला तुमने, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। तो सेक्शन 9 में तो तुम जा नहीं रहे हो, हम कहाँ चले, हम चले सेक्शन 10 की तरफ चले। सेक्शन 10 में कब तक रह पाओगे, कब तक रह पाओगे, जब तक है 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर लिमिट। जब तक तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, तुमने चूज कर लिया ना कि सेक्शन 10 में जाने का, तो बस फिर तुम सेक्शन 10 में रहोगे, लेकिन तब तक जब तक या तो इस साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता, या फिर जैसे जैसे इयर्स बढ़ते जाएंगे पिछले साल का भी टर्नओवर देखना कि पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया, तो इस साल भी तुम नहीं रह सकते किसमें, कंपोजिशन स्कीम में। बट कुछ जगहों पे इंस्टेड ऑफ 1.5 करोड़ यहाँ पे भी क्या है, कुछ स्पेशल जगह है जहाँ पे 75 लाख की काउंट होती है। कुछ स्पेशल जगह हम देखेंगे अभी वो कौन कौन सी, बट वहां पे क्या काउंट होता है, 75 लाख इंस्टेड ऑफ 1.5 करोड़। अंडरस्टूड? अभी बोलते हैं देखो अगर तुम सेक्शन नंबर 10 में रजिस्टर हुए हो, आई एम टेलिंग यू द एंटायर एक्सप्लेनेशन, फिर हमको सिर्फ रीड ही करना है ना रोहित। अगर आप सेक्शन 10 में रजिस्टर हुए हो तो इसको और क्या रिलीफ दिया, एक तो आपने बोला क्वार्टरली रिटर्न। बोलते भाई इस भाई साहब को टैक्स चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टैक्स चार्ज करेगा तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करेगा टैक्स पे करेगा, बहुत सारी चीजें करनी होगी, तो इसको टैक्स चार्ज ही नहीं करना, तो क्या करेगा ये टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग टैक्स चार्ज नहीं कर सकते वो टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकते, तो इसको टैक्स इनवॉइस इशू करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये क्या इशू करेगा, ये इशू करेगा बिल ऑफ सप्लाई। ये क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, मतलब ये टैक्स चार्ज नहीं कर सकता तो टैक्स इनवॉइस नहीं बोल सकता, तो ये इशू करते हैं बिल ऑफ सप्लाई।
फिर क्या होगा मैम? ये तो ठीक है, तो टैक्स कैसे भरेगा इनको? क्या टैक्स ही नहीं बना रहे? टैक्स बनना है, लेकिन इनको बहुत ही कंसेशनल रेट है, बहुत 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 क्या है इनका, कंसेशन वाला रेट है। इस कंसेशनल रेट पे बोला है इनको क्या कि तुमको टैक्स पे करना है, जैसे कई जगह पे क्या है 2.5-2.5%, सिर्फ इतना टैक्स पे करो ओवरऑल 2.5-2.5%, मतलब 2.5+2.5, 5। कई जगह पे बोला है 1% टैक्स पे करो, मतलब आधा आधा, इतना कम टैक्स। हाँ इतना कम टैक्स पे कर रहे हैं, तो तुम भी जानते हो आईटीसी नहीं मिलने वाला इसको, तो आईटीसी के भी कंप्लाइंस से बच गया ये। एक जनरल वाला पर्सन हो सकता है 18% टैक्स पे करता, उसको आईटीसी भी देते। हो सकता है 12% टैक्स पे करता, उसको आईटीसी भी देते। बट जब कंपोजिशन वाले से ले ही कितना रहे हैं, मैक्सिमम ओवरऑल 5% या मैक्सिमम ओवरऑल 1%, जब तुमसे इतना ही ले रहे हैं, तो इन दैट केस तुमको क्या चार्ज करने को नहीं, आईटीसी नहीं देंगे, तो आईटीसी का भी लफड़ा खत्म हो गया इन सबका। अंडरस्टूड? बट मैम अगर ये कंपोजिशन स्कीम वाले ने ऐसा कोई सप्लाई ले दिया जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है, सुनना, ऐसा कुछ परचेस कर लिया इन भाई साहब ने जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पार्ट बनता है, तब क्या होगा मैम? देखो ये टैक्स पे करेगा रिसिपिएंट, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम वाला एक रिसिपिएंट है तो टैक्स पे कर रहा है। बट ये टैक्स किसके बिहाफ पे कर रहा है? सप्लायर के बिहाफ पे। और सप्लायर नहीं है कंपोजिशन स्कीम में, तो सप्लायर को तो मैम नॉर्मल रेट लगेगा, तो यहाँ पे टैक्स भी तो इसको किस पे करना पड़ेगा? नॉर्मल रेट पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा ना। कंपोजिशन में वो रजिस्टर्ड है, वो जो सप्लाई करेगा उस पे कंसेशनल रेट है। आरसीएम में जब ये टैक्स पे करते हैं, तो किसी और के सप्लाई के ऊपर वो टैक्स पे कर रहा है, तो उसको नॉर्मल रेट पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैम जब भी हम नॉर्मल रेट पे टैक्स पे करते हैं, तब क्या आईटीसी देते हो? हाँ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टूड? तो ये क्या है तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम? सबसे पहले मैंने क्या बोला, कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ के टर्नओवर पे एप्लीकेबल होता है। अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ है और करंट ईयर में भी 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। सेकेंड, अगर मैम हम कंपोजिशन स्कीम में आते, तो बेनिफिट क्या है? क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने को मिलेगा और आखिरी में एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा आपको। मैम क्या हम टैक्स चार्ज कर सकते हैं? नहीं, आप किसी और से टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, पर क्या टैक्स पे करना पड़ेगा? हाँ कंसेशनल रेट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और जब आप कंसेशनल रेट पे टैक्स पे करते हैं, तो आपको कोई आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है। मैम क्या अब हम टैक्स चार्ज कर नहीं रहे, तो क्या हम टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे? नहीं, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, क्योंकि टैक्स इनवॉइस वही इशू कर सकता है जो टैक्स चार्ज करता है। मैम लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर कंपोजिशन स्कीम वाले ने कुछ परचेस किया, तो क्या उसको आरसीएम का कंप्लाइंस करना होगा? हाँ उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंप्लाइंस करना होगा, और उसे नॉर्मल रेट पे ही टैक्स पे करना होगा, क्योंकि वो किसी और के सप्लाई पे टैक्स पे कर रहा है, तो वहां पे नॉर्मल रेट पे ही उसको क्या करना है, पेमेंट करना है। क्या यहाँ आईटीसी मिलेगा? यहाँ आईटीसी मिल जाएगा। अब एक कंपोजिशन स्कीम वाले को क्या क्या करना पड़ सकता है? तो कंपोजिशन स्कीम वाले को अपने हर एक बिल ऑफ सप्लाई पे और अपने बिल बोर्ड पे, अपने बोर्ड पे जहाँ वो दुकान की वहां बोर्ड लगाते हैं, उसको स्पेसिफिकली लिखना होगा कि वो एक कंपोजिशन डीलर, उसको मेंशन करना पड़ेगा, लोगों को पता चले कि मैं एक कंपोजिशन डीलर हूं, क्योंकि आईटीसी की चेन ब्रेक होती है ना, क्योंकि कंपोजिशन वाला टैक्स चार्ज कर नहीं सकता, तो तुमको आईटीसी कैसे मिलेगा? तो लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई मैं कंपोजिशन स्कीम वाला हूं, मैं टैक्स चार्ज नहीं करता। अंडरस्टूड? ये जो कंपोजिशन स्कीम है, ये सिर्फ गुड्स के ऊपर है। अगर आप गुड्स का सप्लाई करते हैं, तो कंपोजिशन स्कीम आपको मिलेगा। तो मैम जब हम गुड्स का सप्लाई करते हैं, तो आपने बोला कंपोजिशन स्कीम है, तो मतलब गुड्स वाला थोड़ी सी भी सर्विस नहीं दे सकता, इतनी सी नहीं दे सकता। लेकिन फिर इनको थोड़ा सा ना रियलाइजेशन हुआ, हैप्पी रियलाइजेशन, लेकिन लेट हुआ। कैसे? याद है मैंने तुमको बताया था कि
कि मैम कोई भी चाहे गुड सेल करता हो, कई बार वो क्रेडिट दे ही देता है, क्रेडिट सेल तो कर ही देता है। क्रेडिट सेल करने का मतलब मैम आपको पता है क्या है? यूज ऑफ मनी। और आपने पढ़ा है यूज ऑफ मनी पता है मैम क्या होता है? दैट इज सर्विस। और मैम सर्विस के लिए वो ऑब्वियसली जब यूज ऑफ मनी देता है, मैं तुमको क्रेडिट पे कोई सामान बेच रही हूँ तो मैं एक्स्ट्रा चार्जेस लेती हूँ, 1% ले लूंगी या फिर एक्स्ट्रा ले लूंगी। तो मैम इस यूज ऑफ मनी के लिए जब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया या फिर कोई चार्जेस चार्ज किए, तो ये तो मैम पक्का सप्लाई ऑफ सर्विस है। और ये तो हर बिजनेस में होती है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं होगा जो क्रेडिट सेल्स नहीं होती हो। ये बात तो सही है मैम कि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होगा क्रेडिट सेल नहीं होगी। अरे ये छोड़ो, मेरा मोबाइल का बिजनेस है, मैं मोबाइल सेल करती हूँ। कोई बंदा आ गया कि ये कल तुमने मुझे मोबाइल बेचा था, देखो कितना हैंग हो रहा है, इसको सही करके दे दो। अब मैंने उसको सही करके दे दिया, मैंने सर्विस दी उसको। अब मैंने थोड़ी ना टाइटल ट्रांसफर किया, मैंने तो उस मोबाइल से रिलेटेड सर्विस दे दी उसको। यस मैम, ये थोड़ी बहुत सर्विस तो हर बिजनेस में जाती है। अरे और छोड़ो मैम, गुड्स खरीदे, मैंने सपोज करो रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, अब क्या थैली में भर के रेफ्रिजरेटर लेके जाऊंगी या फिर बाहुबली बन के लेके जाएंगे अपन? दोनों ही पॉसिबल नहीं। ट्रांसपोर्टेशन तो हमको ही करवाना पड़ेगा। अब या तो आप ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लोगे या सामने वाला खुद अरेंज करे। अरेंज खुद कर रहा है तो बात छोड़ दो, मैंने अरेंज किया, मैंने उससे पैसा चार्ज किया, अब ट्रांसपोर्टेशन कौन सा गुड्स हो गया? मतलब समझ रहे हो, किसी भी गुड्स के सर्विस, किसी भी गुड्स के बिजनेस में थोड़ी बहुत तो सर्विस आएगी ना। तो बोलते हैं जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है, जिस स्टेट में रजिस्टर्ड हो स्टेट का टर्नओवर काउंट करो। मैं एग्रीगेट टर्नओवर नहीं बोल रही हूँ, मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूँ, महाराष्ट्र महाराष्ट्र का आपका टर्नओवर देखो। मैं यूपी में भी रजिस्ट्रेशन ले चुकी हूँ तो यूपी यूपी का टर्नओवर देखो। अब ये स्टेट का टर्नओवर देखो, ये स्टेट का टर्नओवर, इस स्टेट के टर्नओवर का 10% लो, इधर के टर्नओवर का 10% लो, कंपेयर करो 5 लाख से, विच एवर इज हायर जो होगा उतने तक के अमाउंट की आप क्या कर सकते हो, सर्विस दे सकते हो। तो ये स्टेट वाइज अलग अलग लिमिट आपको मिलना चालू होगी। स्टेट वाइज क्या होगी, आपको अलग अलग लिमिट मिलना चालू हो जाएगी। अंडरस्टूड? अब मैं सपोज करो मेरा अभी, मैं रजिस्टर्ड हुई नहीं, सपोज करो मैं अभी क्या हूँ, रजिस्टर्ड नहीं हुई, मैं महाराष्ट्र में भी काम करती हूँ, वेजिटेबल वगैरह हमारा बेचने का काम महाराष्ट्र में भी है, हम यूपी में भी वेजिटेबल बेचते हैं। अब मेरा 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो गया, अब मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, तो मैं रजिस्ट्रेशन लूंगी तो मुझे इच्छा है कि अब रजिस्ट्रेशन ले रहे तो दोनों को ही रजिस्टर करवा दो, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर जब क्रॉस होता है, याद है एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हुआ, तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हुआ 20 लाख, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है। अब मैं यहाँ भी लूंगी, यहाँ भी, क्या मैम ऐसा चॉइस हो सकता है कि यहाँ पे तो सेक्शन 9 में रजिस्टर हो जाऊँ, यहाँ सेक्शन 10 में रजिस्ट्रेशन ले लूँ? चॉइस नहीं। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस होता है तो आपको दोनों जगह पे मैंडेटरी फिर कंपोजिशन में ही आना पड़ेगा, ऐसे चॉइस नहीं कर सकते कि यहाँ ये वहाँ वो, ऐसा नहीं चलेगा। अब हम दोनों क्या हो गए, कंपोजिशन में रजिस्टर हो गए, सर्विस कितनी देंगे, तो यहाँ का स्टेट टर्नओवर काउंट करो, यहाँ का स्टेट टर्नओवर काउंट करो, उसका 10% और उसको कंपेयर करो 5 लाख से। तो आर यू गेटिंग, दोनों चीजें काम आती है, एग्रीगेट टर्नओवर टू चेक वेदर यू आर लाइबल फॉर कंपोजिशन स्कीम और नॉट, एंड स्टेट टर्नओवर टू चेक कि लिमिट ऑफ सर्विस कितनी दे सकते हैं हम। अंडरस्टूड? तो अभी तक मैम क्या क्या पढ़ाया, एक तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे, आरसीएम में तो नॉर्मल रेट पे ही जीएसटी पे करना पड़ेगा, आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आप कंसेशनल रेट पे पेमेंट करोगे और कोई जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलने वाला है आपको। आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो जो बिल ऑफ सप्लाई आपने इशू किया है उसके ऊपर, आपके बिल बोर्ड के ऊपर हर जगह आपको लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्स पेयर, मेंशन करना पड़ेगा आपको कि आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हो। अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हो तो इसका मतलब क्या, सिर्फ गुड्स ही देना? हाँ सिर्फ गुड्स देना है, लेकिन सर्विस एक लिमिट तक अलाउ है, वो है आपका स्टेट टर्नओवर। आप कैलकुलेट करो उसका, 10% निकालो और उसको 5 लाख से कंपेयर करो, इसमें से जो भी हायर अमाउंट आएगा
उस अमाउंट तक की सर्विसेज आप उस स्टेट के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये स्टेट वाइज लिमिट आती है। मैम अगर मेरी 5 ब्रांचेज है अलग अलग स्टेट में, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो चुका है, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है लेकिन कंपोजिशन स्कीम में लेना है, तो क्या मैं चूज कर सकती हूँ कि कहाँ पे कंपोजिशन लो और कहाँ पे नॉर्मल में लो? नहीं, कोई चॉइस नहीं है। आपके 5 रजिस्ट्रेशन अलग अलग होंगे तो फिर पांचों की पांचों कंपोजिशन नहीं आएंगे। ठीक है मैम, अब ये हो गई इतनी बात। मैम जब मैं कंपोजिशन स्कीम में आ रही हूँ तो मेरे पास दो चॉइस है। जैसे जब मेरा मैम 20 लाख क्रॉस हुआ था ना, तो मेरे पास दो चॉइस थी, या तो मैं सेक्शन नंबर 9 में चली जाऊं या फिर मैं सेक्शन नंबर 10 में चली जाऊं। दो ही चॉइसेस हैं। ठीक है, सपोज करो पहले मैंने मैम होशियारी बताई, होशियारी में मैंने सेक्शन 9 ले लिया। अब होशियारी तो हो गई, अब पता चल रहा है उस होशियारी का नतीजा कि कंप्लायंस बहुत है सेक्शन 9 में। अब आगे जाके मुझे लगता है मिड ऑफ द ईयर, मैं क्या बोल रही हूँ, मिडल ऑफ द ईयर में मुझे लगता है कि नहीं भाई, रास्ते मोड़ लेने चाहिए और रास्ते कहाँ चले जाने चाहिए हमारे, सेक्शन 10 की तरफ। क्या मैं मिड ऑफ द ईयर में ऐसा कर सकती हूँ कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ 9 में और मुझे सेक्शन नंबर 10 में जाना है? क्या मिड ऑफ द ईयर में पॉसिबल है? नहीं। बहुत होशियार है ये लोग। मिड ऑफ द ईयर में यू कैन नॉट चेंज योर स्ट्रीम। आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर एंड होने दो, ईयर एंड होने के बाद नया फाइनेंशियल ईयर जब आएगा ना, तो नए फाइनेंशियल ईयर में जाना सेक्शन 10 में। ठीक है, बट मैम ये मिड ऑफ द ईयर की बात है। बट अगर सपोज करो मेरा 20 लाख 40 लाख एज द केस में भी क्रॉस हुआ, और मैं पहली बार ही अभी मिड ऑफ द ईयर में ही ये क्रॉस हुआ है, अब भी क्रॉस हुआ है मेरा लिमिट, सपोज करो ये जुलाई चल रहा है ना, अब भी मेरी लिमिट क्रॉस हो गई, अब भी सोच रही हूँ मैं कि मैं रजिस्ट्रेशन हूँ, तो बीच में पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हो ना, तो पहली बार आप सेक्शन 10 में जा सकते हो, लेकिन कन्वर्जन करने के लिए आपको साल का एंड करना पड़ेगा, नए ईयर में ही आप आ सकते हो। तो कन्वर्जन बीच में होता है क्या? नहीं करने देंगे। एक साल तुम नॉर्मल टैक्स पे करो, कंप्लाइंस करो, बीच में क्या कर सकते कन्वर्जन? नहीं। बट पहली बार रजिस्ट्रेशन ले सकते हो बीच में सेक्शन 10 में, वो ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम जब मैं सेक्शन 9 में हूं और मैं सेक्शन 10 में जा रही हूँ, मैंने क्या बोला, सेक्शन 10 वाले को ITC नहीं मिलता, सेक्शन 9 वाले को ITC मिलता है, समझ रहे हो? अब तुम ऐसी दिशा में जा रहे हो, तुम ऐसी दिशा में जा रहे हो कि आगे चल के तुमको ITC नहीं मिलने वाला इसका, तो तुम इनएलिजिबल हो रहे हो ITC के लिए। तुम क्या हो रहे हो, ITC क्लेम करने के लिए इनएलिजिबल हो रहे हो। बस तो याद करो अभी बताया था ना, एक तरह से तुम अनरजिस्टर्ड जैसे नहीं होने वाले हो, तो यहाँ पे भी तुमको लाइबिलिटी पे करके निकलना पड़ेगा। यहाँ पे भी तुमको क्या करना पड़ेगा, बचे कुछ स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल गुड्स की लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी और पे करके निकलोगे तुम वहां। अंडरस्टूड मैम? इतनी बातें हैं तो पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ तो लें, पढ़ रहे हैं एक चीज की बात मैम, वो रेट क्या होगा, किस रेट पे आप बोलोगे कि टैक्स पे करो? तो अगर आप एक ट्रेडर हो, आप क्या हो, अगर एक ट्रेडर हो, तो ट्रेडर के लिए क्या बोला है, 1/2% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, हाफ हाफ मतलब 1 बन जाएगा, ठीक है, 1%। तो अगर आप ट्रेडर हो तो 1% क्या होगा, 1% ऑफ योर टैक्सेबल टर्नओवर है, यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं है। आप अगर एक ट्रेडर हो तो आपको 1% पे करना, हाफ CGST हाफ SGST, टैक्सेबल टर्नओवर का। और सेम वही 1% पे करना है आपको किसका, मैन्युफैक्चरर को भी, लेकिन मैन्युफैक्चरर के लिए टैक्सेबल टर्नओवर नहीं है, वहां पे सिर्फ टर्नओवर है। तो एक ट्रेडर को टैक्सेबल टर्नओवर का 1% पे करना होता है और मैन्युफैक्चरर को टर्नओवर का 1% पे करना होता है। और मैम हम पता है कौन है, हम तो रेस्टोरेंट वाले, तो 2.5% मतलब 5% पे करोगे आपके टर्नओवर का। मैं टर्नओवर एग्रीगेट नहीं बोल रही हूँ, बार बार मेरी बात समझो, ये एग्रीगेट टर्नओवर नहीं है, स्टेट वाइज टर्नओवर देखो। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आप एग्रीगेट टर्नओवर देखते हो, लेकिन टैक्स पे करने के लिए स्टेट वाइज टर्नओवर है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ठीक है मैम, तो ट्रेडर को टैक्सेबल टर्नओवर का 1%, मैन्युफैक्चरर को टर्नओवर का 1%,
रेस्टोरेंट वाले को भी टर्नओवर का 5% पे करना होता है जीएसटी। ठीक है मैम, मैं तो हो गई रजिस्टर सेक्शन नंबर 10 में। सेक्शन नंबर 10 वालों को क्या नहीं करना है? सेक्शन नंबर 10 वाले, जैसा मैंने बोला, एक लिमिट के आगे सर्विस नहीं दे सकते। सेक्शन 10 वाले इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हैं क्या मैम? नहीं कर सकते इंटरस्टेट सप्लाई। आज ही तो बताया कि कंपोजिशन स्कीम वाले को इंटरस्टेट सप्लाई अलाउ नहीं है। तुम बाहर जा जाके सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि छोटे हो ना तुम। कंपोजिशन में क्यों आए? क्योंकि तुम्हें लगता है तुम छोटे हो, कंप्लाइंसेस नहीं कर सकते, तो अपने यहाँ पे ही बैठो। क्योंकि गुड्स, समझो, कंपोजिशन गुड्स के ऊपर है, बोलो हाँ कि ना। कंपोजिशन गुड्स के ऊपर है, और गुड्स का इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तब तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आता है, सारे मैंडेटरी कंप्लाइंस आते हैं। तो भैया फिर 20 लाख का कोई लिमिट वहां पे है नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तो ऐसे केस में बोल रहे, गुड्स वालों को तो मना ही कर दिया इंटर स्टेट सप्लाई करने से, और सर्विस वालों पे कंपोजिशन एप्लीकेबल ही नहीं है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे बोल रहे, ए कंपोजिशन वाले, तुम इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। तुम क्या नहीं कर सकते? और नोटिफाइड गुड है, कुछ गुड्स हैं जो इन्होंने नोटिफाई करके रखे, उन नोटिफाइड गुड्स के आप क्या नहीं कर सकते? आप उन नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं बन सकते हो। कहाँ लिखा है मैम ये सब? कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं? वो लोग एलिजिबल हैं जो किसमें एंगेज नहीं है, सर्विसेज नहीं देते। इन लोगों की बात कर रहे हैं जो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करते, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। उन लोगों की बात कर रहे हैं जो नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं है। नोटिफाइड गुड्स मतलब पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको, लिस्ट है, तो वो नोटिफाइड गुड्स के आप मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। मैम कंपोजिशन उनको भी नहीं लगेगा जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे। क्यों 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 क्यों? अरे भैया, जब सप्लाई तुम्हारा टैक्सेबल नहीं है तो तुम क्या ही करोगे कंपोजिशन में भी आके? हमको तो रजिस्ट्रेशन तभी चाहिए होता है कि भाई तुम रजिस्टर्ड हो तो टैक्स पे करोगे। जब भाई तुम टैक्स पे ही नहीं करने वाले तो तुम कंपोजिशन भी किस लिए ले रहे हो? मत लो वो भी। तो अगर आप क्या सप्लाई कर रहे हो, नॉन टैक्सेबल वाली चीजें सप्लाई कर रहे हो, तो कंपोजिशन लाइक भी नहीं होगी। मैम एनआरटीपी सीटीपी याद करो। एनआरटीपी सीटीपी तो कहीं और जाके काम करता है, और ये कंपोजिशन वाले को अलाउ नहीं है। तो अगर तुम कहीं और जा जाके काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो इंटरस्टेट सप्लाई में लगे हुए हो। यू आर नॉट अलाउड टू टेक कंपोजिशन स्कीम। अब एक ना डाउट आता है। क्या डाउट आता है मैम? जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हो ना, आपने कहा एग्रीगेट टर्नओवर चेक करेंगे कि आप सेक्शन 10 में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, यानी उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर काउंट होता है ना। और आप ही ने बताया था एग्रीगेट टर्नओवर में इंटर स्टेट सप्लाई भी आप टोटल करोगे, एग्जेम सप्लाई, एक्सपोर्ट, सब कुछ आएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। और मैम अभी आप ही बोल रहे हो सेक्शन 10 वाला इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। अभी मैंने ही बोला सेक्शन 10 वाला इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, और मैम आप ही बोल रहे हो कि एग्रीगेट टर्नओवर में आप इंटर स्टेट सप्लाई को भी टोटल करोगे। आपको नहीं लगता कुछ कंफ्लिक्ट कर रहे हो? इधर बोल रहे हो एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरस्टेट मत लो, इधर बोल रहे हो कंपोजिशन वाला इंटरस्टेट कर ही नहीं सकता। अरे भाई, अभी मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, अभी मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, समझो। तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर मैं अगर कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं सारा एग्रीगेट 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 पूरा टोटल देखूंगी ना, इसमें मैं सारा टोटल देखूंगी। लेकिन जैसे ही मैं कंपोजिशन में आ गई, कदम रखने के बाद रूल एप्लीकेबल होगा ना। कदम अभी मेरे पड़े ही नहीं, उससे पहले तो मैंने जितनी मनमानी करनी थी सब कर ली। जैसे ही मेरे कदम पड़े तब वो बोलेगा आगे से इंटरस्टेट सप्लाई मत करना, पहले जो कर लिया वो कर लिया। अब जैसे ही सेक्शन 10 की दुनिया में आ गए हो, अब इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। पर क्या इंटरस्टेट परचेस करना दोगे कि नहीं दोगे? अरे वो देंगे ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई नहीं करने देंगे। अंडरस्टूड? इसका मतलब ना, मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर पे भी नहीं जा सकता। कैसे जाएगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जाएगा तो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं हो जाएगी? या तो ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जाए जो इंट्रा स्टेट सप्लाई ही करवाए, मतलब उसी एरिया में उसका सेल होगा, तभी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जा सकता है। मैम क्या ये अपने खुद के वेबसाइट से भी सेल नहीं कर सकते उसी उसी स्टेट में? खुद
खुद की वेबसाइट से कर सकता है, बट ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो किसमें एंगेज्ड है, इंटरस्टेट सप्लाई कराता है, या फिर जिसको टैक्स कलेक्शन करना है, और टैक्स कलेक्शन करना है तो यार ये तो नॉर्मल रेट पे टैक्स कलेक्ट करेगा ना उसके हिसाब से। तो अगर आप ऐसे गुड्स या सर्विस सप्लाई करें उसी के थ्रू जहां पे टीसीएस कंप्लायंस होता है, वहां तो टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तब क्या नहीं है, फिर तुम भी रहने दो, तुम कंपोजिशन स्कीम में मत आओ। है यहां तक बात समझ में? अब मैम गुड्स वालों को तो इतना खुश कर दिया, भयंकर ही खुश कर दिया कंपोजिशन स्कीम में। अब ये हमारी पार्लर वाली दीदी भी तो गुस्सा होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल गुस्सा होंगी, वो बेचारी सर्विसेज दे रही है, वो तुमको एकदम टिप टॉप करके भेजती है, वो भी गुस्सा हो रही है। हमारी जो टेलर मैडम है, बुटीक वाली मैडम है, वो भी गुस्सा हो रही है हमसे। क्यों? क्योंकि तुमने गुड्स वालों को तो इतना बेनिफिट दे दिया, तुम्हें क्या लग रहा है सर्विस वाले क्या छाप रहे हैं, सारे कंप्लेंट्स कर लेंगे? तो फिर इनको भी गुस्सा आना बनता है कि नहीं बनता? फिर इनको होश आए किसको, गवर्नमेंट को, कि गुड्स गुड्स तो कर रहे हैं, सर्विस भी कुछ होता है, सर्विस इंडस्ट्री भी कुछ है। फिर ये लेके आए 10 to 8, यहाँ पे सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे बोला है तुम 50 लाख तक का अगर तुम्हारा टर्नओवर है, 50 लाख तक का अगर तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर है, तो तुम रह सकते हो कंपोजिशन स्कीम में, पर ये सिर्फ सर्विस वालों के लिए। ठीक है, सर्विस वालों के लिए 50 लाख। और फिर मैम रिटर्न कितना, वो टैक्स कितना बनेंगे? 3%, 3%, एक ही रेट है, 3%, 3%। फिर वहां पे भी वही लिखा है, क्या मैम ये इंटर स्टेट सप्लाई कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। मैम क्या ये सप्लाई कर सकते हैं गुड्स और सर्विस नॉट लाइबल टू जीएसटी? अरे जीएसटी ही नहीं लग रहा तो फिर कौन सा रजिस्ट्रेशन? मैम क्या ये ईसीओ ईसीओ कर सकते हैं? सेम नहीं। क्या मैम नोटिफाइड सर्विस या गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं? नहीं। क्या मैम ये सीटीपी एनआरटीपी हो सकते हैं? मतलब वही सेम, बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, वो सर्विस वाला नहीं, क्योंकि ये है ही स्कीम सर्विस वालों के लिए। अंडरस्टूड? तो अभी तक मैंने क्या बोला तुमको, सबसे पहले क्या कंपोजिशन लेना जरूरी है? नहीं, आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो कंपोजिशन स्कीम में आ जाओ। मैम अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में आ रही हूं पहली बार, तो चाहे मिड में हो तो भी आप पहली बार में भी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। मैम मैं मिड में नहीं आ रही, मैं कन्वर्जन मिड में करना चाहती हूँ। नहीं, मिड में कन्वर्जन अलाउ नहीं है, आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होने का वेट करना पड़ेगा, और फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद भी 60 डेज का और टाइम देते हो कि 60 दिन के अंदर, कल ऐसा नहीं कि एंड हुआ और एकदम से, नहीं, और 60 डेज रहते हैं तुम्हारे पास। लेकिन जब भी तुम कंपोजिशन से आउट होना चाहते हो ना, क्या होना चाहते हो, नॉर्मल से आउट होना चाहते हो, 9 से 10 में जाना चाहते हो, तो जीएसटी वगैरह पे करके जाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से आगे से आईटीसी के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे तुम। मैम क्वार्टरली रिटर्न फाइल होगा, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा, मेंशन होगा मैं कंपोजिशन डीलर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकती नोटिफाइड गुड्स की, मैं सर्विसेज नहीं दे सकती, मैं इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकती, ऐसा ईसीओ जो टीसीएस का कंप्लाइंस करेगा गुड्स एंड सर्विस पे वो नहीं हो सकता कंपोजिशन में, सीटीपी एनआरटीपी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं। अगर सिर्फ सर्विस वाली कंपोजिशन स्कीम की बात करें, 10 to 8 की बात कर रहे हो, 50 लाख का टर्नओवर लिमिट देखेंगे, और नॉर्मल केस में 1.5 करोड़ का टर्नओवर लिमिट देखा जाता है। अंडरस्टूड? आया समझ में? बट मैम एक चीज बता दो हमको, क्या समझते हैं ये, आपने कहा था ना कई जगह पे आपको सिर्फ 75 देखना होगा, आपको क्या देखना होगा, 75 लाख देखना होगा। तो मैम जो आप 75 लाख देख रहे हो वो कौन सी जगह पे देख रहे हैं? तो वो हम देख रहे हैं सतनाम। सतनाम कैसे मैम? सतनाम ऐसे, एस फॉर सिक्किम हो गया, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश हो गया, टी फॉर मेरा क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, तो ये तीन हमारे डन हो गए, एन फॉर हमारा नागालैंड हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ए से अभी कुछ नहीं है हमारा, एम फॉर क्या है, मणिपुर मेघालय मिजोरम, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 3, और इसको सतनाम में ए आता है, मैं ए की जगह हटा के क्या कर रही हूँ यहाँ पे, सतनाम, ठीक है, यू फॉर उत्तराखंड। तो ये क्या है मैम,
ये वो जगह है जहां पे 75 लाख देखा जाएगा, दैट इज सतनम, ठीक है। सिक्किम बड़ा है, लंबा है, अरुणाचल प्रदेश, एक ही जगह आसाम देखा है जो है, ठीक है। टी फॉर त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, बाकी सब जगह आपका 1.5 करोड़ ही रहता है लिमिट। डन क्या मैम? हमने ये करा, दो तरह की कंपोजिशन स्कीम है, एक सर्विस वालों के लिए, एक गुड्स वालों के लिए, ठीक है। इन लोगों को 50 लाख का टर्नओवर है, 6% उनको पे करना होता है। इसके अलावा एग्रीगेट टर्नओवर में क्या मैंने बताया था, सब कुछ काउंट होता है भाई, सब कुछ, बट क्या काउंट नहीं होता, अगर परचेस किया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में या जीएसटी का टैक्स है, वो क्या नहीं होता, काउंट नहीं होता। दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन रजिस्ट्रेशन चैप्टर। अब एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी सुनो, इससे गलती होने के पूरे चांस रहते हैं। जब आपने मेरे साथ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन चैप्टर किया था, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन चैप्टर का जब एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते हो, तो उसमें सब कुछ टोटल होता है, लेकिन क्या आप एक्सक्लूड नहीं करते इंटरेस्ट और डिस्काउंट? याद है ये एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है, इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ डिपॉजिट लोन, ये एग्जेम्प्ट होता है। जब आप स्पेसिफिकली कंपोजिशन स्कीम का एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करोगे ना, कि मैं कंपोजिशन स्कीम में रह सकता हूं या नहीं रह सकता, तो याद रखना ये काउंट नहीं होता है, ये काउंट नहीं करते, क्योंकि ये अलाउ कर रहे हैं, ये सर्विस दे दो चलेगा, तो ये काउंट नहीं कर रहे। एग्रीगेट टर्नओवर बढ़ा नहीं रहे तुम्हारा, उल्टा अच्छा कर रहे हैं कि इतने से एग्रीगेट टर्नओवर कम ही रहेगा। तो व्हेन एवर इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर एक्सटेंशन ऑफ डिपॉजिट लोन एसेट्रा, ये काउंट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बट मैम जब रजिस्ट्रेशन का एग्रीगेट टर्नओवर है, तब ये भी काउंट होता है। ये छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस याद रखना, कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर के एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट और डिपॉजिट एग्जेम्प्ट है, और एग्जेम्प्ट को भी यहाँ क्या करते हैं, टोटल करते हैं, बट कंपोजिशन में स्पेसिफिकली इसको काउंट नहीं किया जाता एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? डन। हम वो आप कुछ बता रहे थे ना, मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, वो नोटिफाइड गुड्स ये रहे, एश ब्रेक, ये तुम्हें सिर्फ याद रखना है, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट, फ्लाई एश, जहाँ एश एश दिख जाए ना तुमको, एश 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 मना कर दिया, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, मियल्स, ये सारे ब्रिक्स, ये सब क्या है, ये सिंपली बोल रहे हैं कि अगर आप इन चीजों के मैन्युफैक्चरर हो, ये याद रखना, फ्लाई फ्लाई ब्रिक्स ब्रिक्स दिख जाए, क्या क्या दिख जाए, फ्लाई एश फ्लाई एश फ्लाई एश दिख जाए, या ब्रिक्स दिख जाए, ठीक है, ये क्या है तुम्हारे लिए, नोटिफाइड गुड्स। या फिर आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर, ये भी क्या है तुम्हारे लिए, नोटिफाइड गुड्स हैं। अंडरस्टूड? PAIT, पेट, P फॉर पान मसाला, A फॉर एरिएटेड वाटर, I फॉर आइसक्रीम, T फॉर टोबैको, और उसके बाद पेट ने क्या किया, हमारा पेट उड़ गया, फ्लाई पेट, तो फ्लाई फ्लाई याद रखना, ब्रिक्स याद रखना, ठीक है। मैम कौन ऐसे लोग हैं जो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है? फिर से वही बता रही हूँ, जो टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, जो ईसीओ में हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं इन नोटिफाइड गुड्स और सर्विस के, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये सब कर चुके। इसका फिर से क्या है क्रक्स, ये भी किया है, कितने तक की सर्विस दे सकते हो मैम, टर्नओवर ऑफ स्टेट उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, इतने तक की ही सर्विसेज आप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या मैम ये इंटरेस्ट इनकम को हम लेंगे एग्रीगेट टर्नओवर है? ना मुन्ना ना, कंपोजिशन में ना लेना, पर कहाँ लेंगे, रजिस्ट्रेशन के एग्रीगेट टर्नओवर में आप लेते हो। मैम इन लोग को क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी होती है, याद करो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, इनको हर जगह मेंशन करना पड़ेगा कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ, बिल ऑफ सप्लाई वगैरह सब में टॉप पे लिखना पड़ेगा, मैं कंपोजिशन वाला पर्सन हूँ, और ये तो हम जानते हैं, ये सीटीपी एनआरटीपी नहीं हो सकते, तो ये हर जगह क्या करेंगे, मेंशन करेंगे नोटिस बोर्ड, साइन बोर्ड, हर जगह कि भाई मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ।
मैम रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, याद करो मिडिल में तो नहीं कर सकते, मिडिल में नया नया लेना है रजिस्ट्रेशन लो, लेकिन कन्वर्जन करना है तो क्या करना होगा, पहले वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने दो, नए फाइनेंशियल ईयर में आ जाना, 60 डेज का भी और टाइम दे देंगे, आ जाना। तो नया नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो कभी भी आओ, कन्वर्जन कर रहे हो तो फाइनेंशियल ईयर कमेंसमेंट पे ही तुम आ सकते हो। हम चूज कर लें इस जगह पे कंपोजिशन, उस जगह पे नहीं 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 कर सकते। तो ये जितनी भी चीजें मैंने अभी तुमको बोली वही लिखिए। और मैं आ गई सेक्शन 10 में, देखो देखो मैं आ गया, कहाँ पे आ गया, सेक्शन 10 में आ गया। सेक्शन 10 की कंडीशन है, याद है कुछ कंडीशंस हैं कि तुमको बिलबोर्ड पे लिखना पड़ेगा, तुमको इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करना, तुम्हारा 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर भी नहीं निकलना चाहिए, कोई भी कंडीशन ब्रीच हो गई, अरे मानो कोई भी कंडीशन तुम्हारी ब्रीच हो गई, तो जैसे ही तुम्हारी कंडीशन ब्रीच हो गई मतलब तुम किससे बाहर हो गए, कंपोजिशन से ऑटोमेटिक बाहर हो गए। तो समझो मेरी बात, सेक्शन 9 से 10 में जा रहे हो तो बीच में जा सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन सेक्शन 10 से जब तुम 9 में आ रहे हो तो इनको बड़ी खुशी हो रही है, बीच में आ जाओ, समझ लो वाइस वर्सा नहीं है, 9 से तुम बेनिफिट की तरफ जाना चाहते हो ना, बीच में नहीं जाने देंगे, लेकिन बेनिफिट से तुम बीच में कंप्लायंसेस वाले स्कीम में आना चाहते हो कभी भी आओ, वेलकम है। तो जब भी तुम्हें विड्रॉल करना है, कोई ऐसा घटना घट गई कि तुमको हटना पड़ गया, तो 7 डेज फ्रॉम द ऑकरेंस ऑफ इवेंट, कितना दिन, 7 डेज फ्रॉम द ऑकरेंस ऑफ इवेंट यू हैव टू टेल कि हम कंपोजिशन स्कीम से बाहर होना चाहते हैं, क्योंकि ये इवेंट हो चुका है। और कई बार प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगेगा तुम लायक ही नहीं हो सेक्शन नंबर 10 के, तो वो खुद तुम्हारे को क्या कर देगा, धक्के मार के बाहर भी निकाल देगा। अंडरस्टूड? डन, ये फिर ऑफिस से समरी है, दैट इज फॉर योर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है? तो ये है तुम्हारा ओवरऑल कंपोजिशन स्कीम। और देखो यहाँ पे इन्होंने सही लिखा है, मैन्युफैक्चरर के लिए टर्नओवर है और ट्रेडर के लिए टैक्सेबल टर्नओवर है, यहाँ सही लिखा है, ठीक है? तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आपको ये पढ़ के रखना है, एज आई टोल्ड यू 40 मिनट्स का ही है कंपोजिशन स्कीम। अब तुम्हारा टारगेट क्या है, तुमको अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के रखना है, कंपोजिशन एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है? कल से हम ITC स्टार्ट करेंगे, 2 दिन लगेंगे हमको, बहुत स्लो एंड स्टेडी ITC कंप्लीट करेंगे, ठीक है? फिर तुम वापस क्वेश्चंस पे आना, 1.5 घंटे का स्लॉट क्वेश्चन का लगाना, एंड आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन के वीडियो। तो मोर देन 2 दिन आई थिंक गेस तुम लोग भी एडजस्ट कर सकते हो, तुम्हारा भी हो जाएगा और तुम अपनी पढ़ाई भी फिर कर पाओगे, तो कोई बर्डन नहीं रहेगा कि क्लास का टाइम ना ये ना वो सारी चीजें। रिगार्डिंग रिटर्न, रिटर्न विल अगेन तुम्हारे वो बैकअप में तुमको रिटर्न, या फिर मैं बैकअप में नहीं दूंगी, रिटर्न चैप्टर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी, ठीक है? डन, तो वी हैव डन कंपोजिशन स्कीम ऑल टुगेदर राइट नाउ।